काला चश्मा जचदाए जचदाए गोरे मुखड़े पे। अरे पर घर में क्यों चश्मा पहन के रखा है बताओ तो। ओ माय गॉड, इतनी लाल लाल आंखें, ये तुम्हें कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है। चलिए मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रश्ना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रश्नाज होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसी आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द उस स्पेसिफिक पार्ट में होता है, यानी कंजंक्टिवाइटिस यानी कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन। और ये संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है। इसे कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ पिंक आई, रेड आई, आई इन्फेक्शन और आई फ्लू भी कहते हैं। इसमें पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट। एकोनाइट हम देंगे जब कंजंक्टिवाइटिस होता है ठंडी और सूखी हवा से, और सूरज की तरफ या रोशनी की तरफ देखने के बाद अगर आँखों में दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में ये बेस्ट मेडिसिन है। आँखों की जो पुतली है वो हमें बड़ी बड़ी सी लगती है, एनलार्ज्ड फील होती है। इसमें दूसरी मेडिसिन आती है एपिस। एपिस मेलिफिका नाम से ये मेडिसिन आती है, 30 पोटेंसी में हम ले सकते हैं। ये आँखों की सूजन, आँखों में जलन, जो ठंडे पानी के फुहारे लगाने से हमको राहत होती है, ऐसे कंडीशन में जो कंडीशन होती है उसमें एपिस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगली मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं हम, कंजंक्टिवाइटिस हो साथ में आँखों में ऐसा रॉनेस फील होता है, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, जैसे कि रॉ मीट यानी कच्चा मांस होता है ना, इतना ज़्यादा लाल। हाँ, आँखों पे अल्सर्स हो जाते हैं कॉर्निया पे या कंजंक्टिवा पे, और आँखों के दर्द तब बढ़ जाता है जब हम रोशनी की तरफ देखते हैं और किसी वार्म रूम में रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है। साथ ही में आँखों से अगर पीला स्त्राव निकलता है चिपचिपा सा, उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सूट करता है। अगली मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा सूट करती है जो प्रकाश की तरफ या रोशनी की तरफ ज़्यादा देखते से ही आँखों में तेज़ दर्द होता है और आँखों की पुतलियाँ है वो डायलेट हो जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। उससे अगली मेडिसिन है कैल्केरिया सल्फ। कैल्केरिया सल्फ आँखों से पीला चिपचिपा स्त्राव निकलता हो, आँखें चिपक जाती हो, थोड़ी देर आप आँखें बंद रखें और चिपक जाए, आधे घंटे सो गए उठे और आँखें चिपक गई है, ऐसे कंडीशन में, या रात रात भर सोए और दूसरे दिन आँखें चिपक गई है, ऐसे कंडीशन में कैल्केरिया सल्फ बेस्ट मेडिसिन है। आँखों के अल्सर हो जाता है कॉर्निया में, अल्सर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में भी हम कैल्केरिया सल्फ दे सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है यूफ्रेशिया ऑफ्सिनेलिस। इसमें आँखों से आँखें लाल होने के साथ साथ आँखों से कांस्टेंट आंसू बहते रहते हैं जिनसे आँखों में जलन होती है। इसमें जलन बहुत प्रोमिनेंट होती है। आँखों की मार्जिन्स जो होती है, जहाँ हम लेडीज़ जनरली काजल लगाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग होती है। आँखों में डस्ट या सैंड चली गई हो, ऐसे सेंसेशन होते हैं। आँखें बार बार झपकाने की इच्छा होती है और आँखों के सामने आँखों पे कॉर्निया पे म्यूकस जमा है ऐसा लगता है, इसलिए हमको बार बार वो ब्लिंक करके हटा दे ऐसा लगता है। साथ में अगर रूमेटिज्म हो तो कंजंक्टिवाइटिस
विद रूमेटिज्म, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें भी रोशनी की तरफ देखने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है। अगली मेडिसिन आती है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ में भी ग्रीनिश डिस्चार्ज आँखों से आए और हवा थोड़ा सा भी स्पर्श हो, उससे अगर दर्द बढ़ जाता है और गर्माहट से थोड़ी सी राहत हो जाए तो ये बेस्ट मेडिसिन है। एपिस में हमने देखा कि ठंडी एप्लीकेशन से राहत होती है और हेपारसल्फ में उल्टा है। गर्माहट वाला एप्लीकेशन कुछ लगाए, गुनगुना पानी लगाए या गर्म पानी के पट्टी लगाए तो अच्छा लगता है। आईलिड्स पे थोड़ी सी इरप्शंस आ जाती है, कॉर्निया पे अल्सर हो जाते हैं छोटे छोटे। अगली मेडिसिन आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो एलर्जिक टाइप का होता है। इसमें पेन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कोल्ड एप्लीकेशन से राहत होती है, जैसे कि एपिस में होती है। लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी इसमें पाया जाता है, जिससे वो होता है कि आँखों का जो नाक की साइड का भाग होता है वहाँ जो दो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ सूजन आ जाती है और इसका जो डिस्चार्ज है वो येलोइश ग्रीनिश होता है। और ये मेडिसिन स्टाई के लिए, यानी आँखों पे जो एक बड़ी सी फुंसी हो जाती है, हार्ड सी, किसी किसी को वो बार बार होती है, ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आखिरी मेडिसिन आती है रूटा। रूटा वैसे तो मोस्टली आँखों की स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए तो यूज़फुल है ही, पर वो उसके फंक्शनल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, यानी विजन प्रॉब्लम्स जिनको होते हैं, जो फाइन वर्क्स काम करते हैं ना उनको, सुनार, दर्जी, ऐसे लोगों को जो आँखों का दर्द होता है या जिनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उनके लिए ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में ये कंजंक्टिवाइटिस यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो जलन होती है आँखों में वो एक्सट्रीम लेवल की होती है, यानी जैसे आँखें जलती है, जैसे आग लग गई हो। और साथ में एकोमोडेशन यानी नज़र कमज़ोर हो जाए, ऐसे कंडीशन में हम रूटा दे सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, जैसे उनके नाम के सामने लिखा है, हेपारसल्फ 30, पल्सेटिला 30, वो ही लेनी है आपको। ये सारी मेडिसिन आपको सुबह एक बूंद, दोपहर को एक बूंद, रात को एक बूंद, सीधा टंग पे लेनी है। और अगर पहले दिन बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो आप ये मेडिसिन पहले दिन सुबह, दोपहर, शाम के बजाय एक एक घंटे में लेते रहें। दूसरे दिन तक 24 घंटे में राहत हो चुकी होगी और दूसरे दिन से सुबह, दोपहर, शाम एक एक बूंद लीजिए। ऐसी ये मेडिसिन आपको 3 से 5 दिन तक लेनी होगी। साथ में हम क्या प्रिकॉशन लें? जब भी हम बाहर जाएं या ज़्यादा रोशनी वाले रूम में रहें या घर में भी बहुत ज़्यादा रोशनी आती हो, तो हम सनग्लासेस पहने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आँखें धोते रहें जिससे वो हाइड्रेटेड रहें, स्पेसिफिक इंटरवल में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें जो उस पर जमी मैल है वो निकल जाए और आँखें भी हाइड्रेटेड रहें। और स्क्रीन टाइम अवॉइड करें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस पे अपना काम हो तो फिलहाल के लिए उसे अवॉइड करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फायदेमंद हो और आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग को भी इससे फायदा हो, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।